अरे भाई आपने मेरे बालों पर कौन सा जेल लगाया, देखो मेरे बाल कितने गिर रहा है। अरे भैया आप चिल्ला मत, मैं देख लेता हूँ। यार मैंने ऐसा कुछ तो नहीं लगाया था, नॉर्मली चीज लगाए थे, फिर इतने बाल क्यों झड़ रहे यार। अरे भैया देखो मेरे बाल कितने झड़ रहे है। भैया हो क्या रहा है? ये देखो आपने कौन सा क्रीम लगाया, ये देखो। अरे यार ये ऐसा कैसे हो गया, मैं तो कंपनी के प्रोडक्ट अपनाता हूँ। हाँ बेटा भैया मुझे पता है लोगों के बाल क्यों झड़ रहे। पापा ग्राहकों के सामने चिल्लाया मत करो, मेरी भी कोई इज्जत है। क्या साले मेरे से मुंह चलाएगा? इस केमिकल को पानी में मिला देता हूँ, जब लोगों के बाल झड़ेंगे ना तो मेरे बाप का नाम खराब हो जाएगा। क्या ये सब मेरे बेटे ने करा है? बेटा इधर आ। हाँ पापा आ रहा हूँ। इधर आ। अबे ये क्या हरकत कर दिया तूने दुकान में, अब मैं मेरे ग्राहकों को क्या जवाब दूंगा? तो फिर आपने मुझे मारे क्यों थे? बेटा मैंने तुझे मारा हूँ ना तो हुनर सिखाने के लिए मार रहा हूँ, अगर मैं मर जाऊंगा ना तो ये दुकान तुझे संभालना है, और अब तेरी दुकान आने की जरूरत नहीं है। भाइयों ये तेल लगा लेना, इससे आप दोनों के बाल सही हो जाएंगे। तमजीद सेठ बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी कंपनी पूरे वर्ल्ड में पहले नंबर पे आ गई है। हाँ हाँ मैंने भी अभी अखबार में पढ़ा, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सर मैंने आपका माल ट्रांसपोर्ट पर लोड कर दिया हूँ, 4 बजे तक का आपके पास पहुँच जाएगा। आ गए आप? हाँ सर मैंने कस्टमर से 2 लाख रुपए लिया आया। अच्छा तो ठीक है, वो जो गोडाउन पर नया माल है ना उसकी पैकिंग करके उसको जमा दो। ओके सर। सर ये शर्मा जी ने 3 लाख रुपए माल के पहुँचाए। ठीक है सारे स्टाफ को ले आके गाड़ी लोड करवा दो, माल आज हैदराबाद के लिए निकलेगा। बॉस ये पेमेंट आ गया था, ये 3 लाख रुपए शर्मा जी के और ये 2 लाख रुपए वसीम भाई के और रोशन भाई के। ठीक है। और बॉस आपसे एक बात करनी थी, वो शादाब और मैनेजर साहब मुझे 2 महीने की सैलरी एडवांस मिल जाएगी क्या, क्योंकि मेरी बहन की सगाई में लग रहे हैं पैसे। नहीं नहीं मेरे को इनकी फैमिली प्रॉब्लम से कोई मतलब नहीं है, मैं इनको सैलरी दे रहा हूँ ना इनके लिए यही बहुत है। ठीक है बॉस मैं उसे जाके मना कर देता हूँ, लेकिन बॉस आज आप जिस मुकाम पे हो ना इन्हीं स्टाफ के बदौलत हो, इन स्टाफ ने दिन रात मेहनत करके आपकी कंपनी को नंबर 1 बनाया और आज आप उनके दुख दर्द समझने से इनकार कर रहे हो। मजदूर कितनी भी ईमानदारी कर ले लेकिन सेठ की नजरों में नौकरी कहलाता है। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर करें। नहीं मैं आज साइकिल लेके जाऊंगा। हाँ मेरे भाई मैं आज तुझे साइकिल दिला के घर चलूंगा मैं। ये देख अपन साइकिल की दुकान पे आ गए और चारों तरफ साइकिल ही साइकिल है। आज मैं साइकिल लूंगा, आज मैं साइकिल लूंगा, आज मैं साइकिल लूंगा। अरे भैया मेरे भाई के लिए कोई अच्छी साइकिल दिखाओ। समजीत भैया को साइकिल दिखाओ। जी सेठ। सर आपको किसके लिए साइकिल चाहिए? अच्छी साइकिल मेरे भाई के लिए दिखाओ। भैया अंधे को साइकिल दिलाने आए। क्या अंधा साइकिल चलाएगा? क्या यार भैया आप हंसने में लगो, मैं सेठ से बात करता हूँ ना। सेठ जी देखो ना आपके वर्कर लोग कितने हंस रहे हैं। हंसने वाली बात नहीं है भैया, कभी अंधा साइकिल चलाता है? हाँ सेठ वो तो मैं भी जानता हूँ कि मेरा भाई साइकिल नहीं चला सकता, लेकिन मैं तुमको क्या बताऊँ मोहल्ले में इतने सारे बच्चे जो दिन भर साइकिल चलाते और रेस लगाते हैं, मेरा भाई बैठे रहता है और कानों से सुना करता है, तो मुझसे जिद करने लग गया कि भाई मुझे भी साइकिल दिलाओ। अब बताओ मैं उसे साइकिल नहीं दिलाऊँ तो क्या करूँ? अब सेठ आप ही बताओ, मेरा भाई जन्म से अंधा है तो कैसे खुश रहने का हक नहीं है? ए भैया को साइकिल दो। अंधा हो या अपाहिज हो दिल सबका होता है, वीडियो पसंद नहीं हो तो एक लाइक जरूर कर। चलो उठो रे थोड़ा सा माल हो रखा है खाली करो। आओ भाई। बाबा आज तो बहुत थकान हो गई यार। अबे थकान होगी नहीं, सुबह से 7 गाड़ी खाली कर दी अपन ने। ये लो तुम्हारी अम्माली बात लेना। ठीक है सेठ ये ले, ये तेरे और ये उसको दे दे। अरे आज तो बहुत थक गया यार, चलो एक पौवा मार के आएंगे उसी से थकान उतरेंगे अपनी। अबे क्या बात है, पौवे के नाम से सबसे आगे तू रहता था, देखो क्या हो गया, तू क्यों नहीं आ रहा? नहीं यार भाई मैं आज से दारू नहीं पीऊंगा। अबे क्या बोला दारू नहीं पिएगा, अबे अपनी थकान कैसे उतरेगी जब तक अपन दारू नहीं पिएंगे? अरे भाई मैं तुमको बताता हूँ मैं दारू क्यों छोड़ रहा हूँ। हाँ हाँ ऐसी बात कर रहा, सबसे बड़ा बेवड़ा हो तो तू ही है, चल बता बता। भाइयों जब मेरी बेटी छोटी थी ना तो मैं दारू पी लिया करता था, लेकिन अब मेरी बेटी सर बराबर हो गई, कल को उसके कहीं से रिश्ते आएंगे तो उसके ससुराल वाले क्या सोचेंगे कि इसका बाप दारू पीता है, और भाई जिनका बाप दारू पीता है ना उनकी बेटी को हटना मुश्किल हो जाता है, इसके लिए मैंने भाई दारू पीना बंद कर दिया, तुम लोग जाओ। क्या ये मैंने सही कहा? वीडियो पसंद नहीं हो तो एक लाइक जरूर करें। अरे भैया आइए, एक से एक साइकिल आइए। कह रहे तेरा ध्यान की तरह देख रही ना, ग्राहक जा रहे उनको आवाज दे के बुलाना, सुबह से एक भी साइकिल नहीं बिकी। नहीं नहीं सेठ पूरा ध्यान दे रहा हूँ मैं बराबर, तेरे को समझा दे रहा हूँ, अगर एक भी ग्राहक यहाँ से खाली निकले ना तो तेरी तनख्वाह तो भूल ही जाना तू। आओ एक से एक साइकिल है। अरे ये तो मेरे स्कूल का दोस्त है। अरे भाई यार ये कौन है जो मुझे आवाज दे रहा है? मेरे भाई कितने दिनों बाद मिला है तू, चलड़ बे कौन है तू? अबे भाई तूने मेरे को पहचाना नहीं, अपन दोनों साथ में स्कूल में पढ़ते थे। अबे स्कूल पढ़ता तो क्या मेरे गले लगेगा, तू कहाँ गई पिलोने बेचने वाले, मेरा स्टेटस देख चलड। बोल फिरोज किसी किसी लोगों को तूने काम पे रखा था? अरे क्यों क्या हो गया, कुछ बोला क्या उन्होंने तेरे को? वो क्या बोलेगा मुझे, तू तो मेरे बच्चे के लिए साइकिल दिखा। अच्छा ठीक है, ए तमजीद भैया को साइकिल दिखा अच्छी वाली जरा। जी सेठ। हाँ सेठ क्या दिखा दूँ आपको? मेरे बच्चे के लिए महंगी से महंगी साइकिल दिखा। ये देखिए सेठ ये हमारी दुकान की सबसे महंगी साइकिल है और आप जैसे सेठ के बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं। ठीक है करते ऐसा है मेरे। दोस्त क्या चीज़ है, वीडियो पसंद है तो